मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। इन दिनों काफी ज्यादा कड़ी मेहनत और कड़ी मशक्कत करती हुई देखी जा रही है कांग्रेस पार्टी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद आगामी चार राज्यों की विधानसभा चुनाव और आने वाले साल 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। जहां एक तरफ राजस्थान में चिंतन शिविर किया गया, उस चिंतन शिविर में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई अहम फैसले सुनाए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। लेकिन अब मिनी चिंतन शिविर को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब कांग्रेस पार्टी ने और भी कई बड़े फैसले सुना दिए हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस पार्टी को कई बड़े झटके लगते हुए भी नजर आए। जहां एक तरफ पंजाब से वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और भारतीय जनता पार्टी में वह शामिल हो गए, वहीं दूसरी ही तरफ गुजरात के विधानसभा चुनाव से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया हार्दिक पटेल ने। और अब कांग्रेस पार्टी ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी। इन इस्तीफों की लाइन के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को लेकर राजस्थान में मांग की जा रही कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। अब राजस्थान की आवाम नहीं चाहती है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पद पर नजर आए। वह चाहते हैं कि अब पायलट की सरकार होनी चाहिए या फिर सचिन पायलट को कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और अब कांग्रेस पार्टी ने अनाउंसमेंट कर दी है। विधानसभा चुनाव की शुरुआत से पहले ही कांग्रेस पार्टी ने तीन यहां पर कमेटी का गठन किया है और इन कमेटी में बेहद शानदार जिम्मेदारी मिल चुकी है। राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी मिल चुकी है सचिन पायलट को, और इस जिम्मेदारी के मिलने के बाद सचिन पायलट ने अब बेहद शानदार खुशखबरी भी दे दी है। सचिन पायलट ने दावा कर दिया है कि अब जीत तो पक्की है। राजस्थान को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है और हाईकमान को लेकर भी उन्होंने काफी कुछ कहा है। जरा देखिए ये रिपोर्ट, जिसके जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं जो लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। आने वाले चार राज्यों की विधानसभा चुनाव में अब कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी न सिर्फ आगामी चार राज्यों की विधानसभा चुनाव बल्कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयारियों में जुटी हुई है। और इन तैयारियों के बीच कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट पर भरोसा जताकर तीन कमेटियों में उन्हें जगह दे दी है। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने लोकसभा चुनाव साल 2024 को मद्देनजर रखते हुए अब तीन कमेटियां बनाई हैं और इन तीनों ही कमेटियों में सचिन पायलट को शामिल किया गया है। रिपोर्ट्स की माने सामने आया है कि सोनिया गांधी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को कमेटी में अब जगह देकर एक बड़ा संदेश दे दिया है। ऐसे में पायलट खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बताते चलें कि कांग्रेस की इन तीन कमेटियों में सचिन पायलट को शामिल किया गया है और पायलट गुट से जुड़े नेताओं ने अपनी खुशी को भी जाहिर किया है। गौरतलब है कि अब लोकसभा चुनाव साल 2024 की तैयारियां कांग्रेस ने शुरू कर दी है और जो कमेटी का गठन किया गया है इसका नाम है टास्क फोर्स 2024। जी हाँ, आपको बता दें कि पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप का गठन किया गया है और इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन भी बनाया गया है। सचिन पायलट को इसमें जगह मिल चुकी है और ये ग्रुप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा की प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन का काम देखेगा। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट के साथ साथ भंवर जितेंद्र सिंह और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन को भी इसमें जगह मिल चुकी है। जहां एक तरफ सचिन पायलट को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है, वहीं दूसरी ही तरफ
सचिन पायलट ने बड़ी अनाउंसमेंट भी कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सचिन पायलट ने कहा है कि पार्टी राज्यसभा की 4 में से 3 सीटों पर आराम से जीत हासिल करेगी। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान से खाली हो रही 4 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है और ऐसे में सचिन पायलट ने यहां पर जीत को लेकर दावा कर दिया है। वह कहते हैं कि 3 सीट पर आराम से जीत हासिल कर सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीते मंगलवार को टोंक में उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और ये भी कहा कि बीजेपी के भीतर अराजकता और भ्रम की स्थिति है। उनके नेता चाहे जो भी कहें लेकिन कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी। जी हाँ, 10 जून को चुनाव। पुणे रिपीट। बताते चलें कि 10 जून को राज्यसभा की 4 सीटों के लिए चुनाव पूरे होने वाले हैं। बीजेपी के ओम प्रकाश माथुर, केजे अल्फोंस, राजकुमार वर्मा और हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर का 4 जुलाई को कार्यकाल पूरा होने वाला है। वहीं दूसरी ही तरफ सत्ता दल कांग्रेस के पास 3 सीटों के लिए बहुमत है। ऐसे में 1 सीट जो है वो भाजपा के पास है। तो वहीं सचिन पायलट अब इन सीटों को लेकर दावा कर चुके हैं कि जीत तो पक्की है और सचिन पायलट को अपने काम पर पूरा पूरा भरोसा है। इस तरीके से उन्होंने बेहद बड़ी खुशखबरी दे दी है। आप सभी ने देखा जाना इस रिपोर्ट के जरिए सचिन पायलट के बारे में, जिस तरीके से सचिन पायलट ने ऐलान किया है पूरे ही कॉन्फिडेंस के साथ। ऐसे में देखा जाए तो सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के लिए आगे भी काफी कुछ करके दिखाने वाले हैं। आप क्या कहते हैं, सचिन पायलट को जिस तरीके से जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को निभाते हुए अब सचिन पायलट यहाँ पर जीत पक्की है कहते हुए नजर आए हैं? आपकी क्या राय है या बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।